योनिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है चाइल्ड साइकोलॉजी जो है आपकी सीडीपी जो है उसको लेकर जो है टॉपिक वाइज आपके जो वीडियोस है वो आ रही है ऑलरेडी, और साथ ही साथ में हमने न्यू सीरीज़ जो स्टार्ट की है सीटेट के लिए, स्पेशली सीटेट के लिए, सीटेट के जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हैं उन्हें हम जो है इस वीडियो में, इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन है केवल इस तरीके से सॉल्व नहीं करवाऊँगी, केवल आंसर नहीं बताऊँगी, आपको पूरी उस टॉपिक की, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे कि आपके मोस्टली टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर जो होते हैं वो रिपीट होते हैं सीटेट में, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, अभी तक हम 20 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, दो पार्ट्स आ चुके हैं इसके, हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेकर कर रहे हैं क्योंकि एकदम से ज़्यादा आप समझेंगे तो भी प्रेशर पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर पूछा गया है यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू, यानी कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो अपनी नॉलेज को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरीके से अपनी नॉलेज को क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब यहाँ पर यही है, किस तरीके से निर्माण करते हैं अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का किस तरीके से निर्माण करते हैं, और यहाँ पर कहा है कि और उसे किस तरीके से जो है ग्रहण करते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वालों के, यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ जो है किस प्रकार निकालते हैं। तो छोटे जो बच्चे होते हैं किस तरीके से जो ज्ञान है उसी संरचना करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे खुद ही। जैसे कि आपको पता होगा हमें जो है हमें पूरा का पूरा फोकस रखना है, आप जब भी सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना है बच्चा क्या है, एक एक्टिव चाइल्ड है। एक्टिव चाइल्ड का मतलब है कि बच्चा जो है यहाँ पर खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को, और इसका मतलब यहाँ पर ये भी है कि हमें जो है हमें उन्हें कुछ इस तरीके से टॉपिक जो है स्टार्ट जब हम करें तो हमें उन्हें ये नहीं बताना टॉपिक का नाम ये है, बल्कि हमें क्या करना है उनके आसपास की जो लाइफ है, उनके जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि घर से वो स्कूल में आए हैं तो घर के आसपास के जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ से उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, उसके बारे में हमें क्या करना है उस एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए, लाइफ जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसको जोड़ते हुए, उनकी जो निजी समझ है उसको जोड़ते हुए हमें क्या करना है अपने टॉपिक पर आना है। तो इस तरीके से हम करेंगे, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उनके साथ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बच्चा खुद भी हमारे साथ क्वेश्चनिंग करे, हमें ये ध्यान रखना है, उसी बच्चे को एक्टिव चाइल्ड के अंदर रखा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर कहा हुआ है किस तरीके से जो है बच्चा अपने ज्ञान का जो है खुद ही संरचना कर लेता है और उसका अर्थ जो है अपने आप ग्रहण कर लेता है। पहला ऑप्शन क्या रहता है, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, यानी कि जो एक्टिव तौर पर एक्टिव होकर वो क्या करता है, अन्वेषण करता है, एनालाइज करता है। तो हाँ, अगर हम कोई भी बात उन्हें कहते हैं तो उसकी जो है वो एक तरीके से लिटिल साइंटिस्ट जो है वो भी कहा गया है एक बच्चे को, तो वो क्या करता है पूरा पूरा उसको खोजने की कोशिश करता है। अगर आप छोटे से बच्चे को लेकर ही देख लीजिए, 2 साल का बच्चा है, उसे आप कोई भी बात बोल रहे हो या फिर वो कहीं से सुन लेता है तो उसके बारे में ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन करता है वो। तो ये जो है इसके थ्रू भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, हम फिर उनका आंसर करेंगे तो उन्हें उस जो भी चीज़ वो पूछ रहे हैं उसके बारे में उन्हें जो है पता चलता जाएगा, ठीक है। पर जो अगर हम आंसर करना बंद कर देंगे तो वो जो है उसका कंसेप्ट वहीं पर रुक जाएगा ना, तो ऐसा नहीं करना हमें। तो ये तो ठीक है। अगला देखो, खेल द्वारा, हाँ ये भी कहा जाता है बच्चे को कुछ भी चीज़ सिखानी है तो खेल के द्वारा सिखाओ। हमें क्या करना, खेल खेल में बच्चों को क्या करना है, हमें सिखाना है कुछ ना कुछ, तो ये भी ठीक है हमारा। अगला देखो, अगले पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, कोई भी पदार्थ है उस पर क्रिया के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, ये भी ठीक है हमारा। और अगला देखो, सहपाठी और वयस्कों संघ सहभागिता द्वारा, यानी कि जो पीयर्स होते हैं और जो अडल्ट्स होते हैं उनके साथ इंट्रैक्शन करके भी बच्चा क्या है कुछ ना कुछ सीखता है, अपने पीयर्स के साथ, अपने हम उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ जो है वो सीखता है, साथ साथ अपने अपने से जो बड़े हैं उनके साथ सीखता है, चाहे वो बड़े भाई बहन हों, चाहे वो मम्मी पापा हों, या फिर उनके जो जो भी संबंधी हैं उनके साथ रहता है वो, तो कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और एक्टिव ऑन मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंटल, यानी कि जब वह क्या करता है, जब मटेरियल पर किसी भी वस्तु पर जब वह जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो करके देखता है, तभी तो कहा जाता है एक्टिविटी करवाओ बच्चों से। एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चे जो हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करके क्या सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, और इन्हीं के थ्रू क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है 4th यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, और आपको ध्यान रखना है जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसमें आपके 2 आते हैं। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसमें हमारा जो प्याजे है वो भी आता है, और जो वायगोत्स्की है वो भी आते हैं।
तो आपको ध्यान रखना जो प्याजे हैं वो क्या बताते, वो जो हैं हमारे जो एक तरीके से प्याजे जो हैं केवल केवल हेरिडिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसी वजह से इनकी दोनों के दोनों जो लाइन है वो अलग हो जाती है। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म पूछा जाए तो प्याजे हैं और सेकेंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म पूछा जाए तो हमारे वाइगोट्स की होंगे जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और आपका क्लियर कर दिया है। अब देखिए 22 वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर इसे रीड कर सकते हैं और यहाँ पर जो है ऑप्शन देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एक अध्यापिका बच्चों को जो क्या कर रही है, फ़ोन नंबर रटने के लिए वो कुछ ट्रिक का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर, यानी कि जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें कुछ कॉमन चीज़ें आनी चाहिए कि अगर वो कहीं पर गुम भी हो गए तो वो फ़ोन नंबर बता सकें। तो फ़ोन नंबर याद करवाने के लिए वो क्या कर रही है, फ़ोन नंबर के जो 10 अंक होते हैं उन्हें 3 से 4 टुकड़ों में तोड़कर कुछ ग्रुप्स बनाकर क्या है उसे याद करवा रही है। तो ये जो चीज़ है ये कौन सी विधि होती है, कौन सी रणनीति होती है जो इस अध्यापिका ने यहाँ पर यूज़ की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर और इंग्लिश में ये है, तो इसे हम चंकिंग मेथड कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हम जो है चीज़ें याद करवाते हैं ये मेमोरी से संबंधित है हमारी, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने 23 वाला है। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल। यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि जो निम्न में से जो कौन सा अधिगम है जो क्या करता है, कौन सा अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल दिया जाता है, यानी कि लर्निंग जो होती है उसमें कौन सी ऐसी दशा है जिस पर जो है विद्यालय में जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्कूल में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पहला ऑप्शन है परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, यानी कि अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट, परिवेश का मतलब है अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कुछ ना कुछ जो स्किल्स हैं जो कौशल हैं उन्हें सीख रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, अभी फ़िलहाल में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें यही बात और NCF भी यही कहता है कि हमें क्या करना है बच्चे के आसपास के एक्सपीरियंस से उसके एनवायरनमेंट से हमें उसे कुछ ना कुछ सिखाना है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड कह रहा है विषय वस्तु को रटना। अब रटने की बात तो हमारा NCF भी बिल्कुल मना करता है। अब NCF मना कर रहा है तो हमारी जो पेडागोजी है उसे समझने के लिए आपको NCF समझना पड़ेगा और NCF की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की हुई है, आप उसे भी देख सकते हो। तो ये जो रटना है इसे तो बिल्कुल मना करता है, रटना हमें रटाना ही नहीं बच्चे को कुछ भी, हमें या तो खेल खेल में सिखाना है, कोशनिंग के द्वारा सिखाना है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, हमें बच्चे को रटाना नहीं है। रटाई हुई जो भी चीज़ होती है वो शॉर्ट मेमोरी होती है, हमें लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है वो हमें प्रोवाइड करनी है बच्चे को, तो रटाना तो नहीं है। थर्ड देखिए दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, यानी कि दूसरों के साथ हमें कंपैरिजन टाइप करना ऐसा नहीं है और उद्दीपन अनुक्रिय संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर नहीं करनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 24th वाला दिया गया है और इसमें हमसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। ये सामाजिक संरचनात्मक जो उपागम है इसे हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो अप्रोच है वो कहते हैं और यहाँ पूछा गया ऐसा कौन सा उपागम, ऐसी कौन सी अप्रोच है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, ऐसे कौन सी अप्रोच है जो क्या कर रही है जो एक शिक्षक को, एक जो हम पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके लिए यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, पढ़ाने में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, छात्रों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है सोशल जो ये है हमारा सामाजिक संरचनात्मक उपागम, इसमें जो भी चीज़ होगी हम अपने आसपास के जो भी इन्वायरमेंट है उसके थ्रू जो है चीज़ें सिखाएंगे। अब ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन सलमा विद्यार्थियों को, यहाँ पर जो भी नाम दे रखे हैं ये टीचर के नाम है, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। अब यहाँ पर देखो लालच दिया के बच्चे को टॉफ़ी दी जा रही है और यहाँ पर एक तरीके से बच्चे जो हैं डिवाइड भी हो रहे हैं, जिनको टॉफ़ी नहीं मिल रही क्या वो अच्छा नहीं कर रहे, इसका मतलब तो ये हुआ ना, और वो नेक्स्ट टाइम से वो प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा,
ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसा तो नहीं करना है, तो हमें टॉफ़ी वगैरह नहीं देनी है हमें ऐसे किसी को छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों को। हाँ, हम उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, हम उन्हें जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमें टॉफ़ी देकर, यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई टीचर आता है और अगर वो क्लास में टॉफ़ी नहीं देता है तो क्या बच्चे नहीं पढ़ेंगे? इसका मतलब तो यही होगा ना, बच्चों को आदत पड़ जाएगी टॉफ़ी लेने की, तभी आंसर देंगे। तो ऐसा नहीं करना, हमें किसी लालच की वजह से उन्हें नहीं पढ़ाना है, हमें जो है उनको मज़े मज़े में पढ़ाना है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल कट है। नेक्स्ट देखो, प्रांति जो है वो क्या करती है, विविध प्रकार की जो पुस्तकें हैं, अलग अलग जो टेक्स्ट बुक हैं, मैंने MCF में भी आपको कहा था कि टेक्स्ट बुक इम्पॉर्टेंट है, पर ये नहीं है कि टेक्स्ट बुक का बोझ बढ़ा दिया जाए। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, एक जो टेक्स्ट बुक लगाई गई है, यानी कि जो बुक लगाई गई है, उसके अलावा भी हम अलग अलग जो बुक्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे क्या है बच्चों को ऐसा ना लगे कि केवल इसी बुक से हमें कवर करना है। तो विविध प्रकार की जो बुकें हैं, जो पुस्तकें हैं, अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है ये, ठीक। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से वो क्या करती है, परिचर्चा करने के लिए कहती है, यानी कि जो विद्यार्थी जो है अलग अलग प्रकार की जो बुक्स हैं उन्हें रीड करते हैं, तो वो क्या करती है, अपने उन स्टूडेंट्स के साथ जो है चर्चा करती है, क्लास में चर्चा करवाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑप्शन है अनुर्धति है, यहाँ पर ये क्या करती है, नए शब्द का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित जो संकेत है उसका इस्तेमाल पर बल देती है, यानी कि जो संदर्भ है, यानी कि आसपास से कुछ संदर्भ वगैरह लेती है और उसके थ्रू जो है उन्हें सिखाती है कुछ नए शब्द, उनके अर्थ। तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये अपने आसपास की चीज़ों को यूज़ कर रही है, ठीक है, एनवायरमेंट यहाँ पर हो रहा है, एनवायरमेंट से कुछ चीज़ उठाई जा रही है। अगला देखो, रेखा क्या कर रही है, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि हम लिखने के लिए दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम रटवा रहे हैं, हम बिना कुछ उन्हें समझाए बस हम कह रहे हैं लिखो लिखो लिखो, ऐसा नहीं करना है हमें। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, सेकेंड और थर्ड ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ये थर्ड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से उजागर करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम जो सॉल्विंग एबिलिटी है उसे किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स में, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन को देखना है, पहला ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, क्या हमें अपने स्टूडेंट्स को कभी भी डराकर पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, हमें उनके साथ फ्रेंडली होना चाहिए, कभी भी उन्हें जो है डराना नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला देखो, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यानी कि एक जो फिक्स जो तरीका होता है कि हाँ भाई ये जो है इसी तरीके से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है, उसके अलग तरीके सोचने भी नहीं है तुम्हें, इस तरीके से हमें नहीं पढ़ाना है, यानी कि उन्हें जो है कोई भी एक फिक्स वे नहीं देना है हमें कि तुम इसी तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, और अगला ऑप्शन है निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो रटन पद्धति तो बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो समरूप जो है उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देकर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है उन्हें बढ़ा सकते हैं बच्चों की, यानी कि हम उन्हें इनक्रेज करेंगे कि वो क्या करें, अपनी एनालाइज जो है एनालाइज करना सीखे, उसे यूज़ करना सीखे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो ये ठीक रहेगा और ये हमारा जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटिंग ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। तो मीनिंगफुल जो लर्निंग है, सार्थक अधिगम है, उसको सुसाध्य किस तरीके से किया जा सकता है, यहाँ पर ये चीज़ पूछी गई है। पहला ऑप्शन है कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये जो है कहीं ना कहीं से ठीक लग रहा है, क्योंकि जो है NCF भी ये कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके से हम क्या उस चीज़ को सॉल्व करें, बच्चों को ये चीज़ सिखानी, हमें ये नहीं सिखाना, हमें ये नहीं कहना, जैसे कि एक मैथ का क्वेश्चन है और उसे जो है हम ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व कर देते हैं और बच्चे जो है डिटो अपनी कॉपी में कॉपी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें, हमें अलग अलग तरीके जो हैं उसे जो है निकाल के लेकर आ सकते हैं हम क्लास में, और बच्चे खुद भी जो है अगर कोई बच्चा है उसका कुछ अलग तरीका भी निकाल कर बता रहा है तो ऐसा नहीं करना कि उसे चुपचाप करके बिठा देना है,
नहीं, हमें जो है अलग अलग तरीके जो हैं, अलग अलग जो विचार हैं, कुछ भी हमें चीज़ पढ़ानी है तो हम सब बच्चों के विचार जो हैं वो लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें जो है सही तौर पर अपने टॉपिक की तरफ जाना है। तो ये हमें जो है सही लग रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, रट्टा मारना। रट्टा मारना तो किसी भी तरीके से, जहाँ पर भी रट्टा आ जाए आपका, यानी कि रोट मेमोराइजेशन, बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर होगा वो आपका, और क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगला, शिक्षक द्वारा श्याम जो पट होती है, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर लिखे गए उत्तरों को उसकी नकल करवाना, यानी कि जैसे मैंने अभी कहा कि ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया गया और उसे जो है डिटो कॉपी में कॉपी करने के लिए कह दिया बच्चों को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और इसकी प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और एक छोटी सी कमेंट कर देंगे तो मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और यहाँ पर पूछा गया है हमसे, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश। यहाँ पर पूछा गया स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं उन्हें क्या कर रहे हैं, अपने अंदर के जो भी वो जो भी उनकी सफलता उन्हें प्राप्त हुई है जो भी, तो उसे जो है वो अपने आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि हमारे अंदर के जो कारण हैं उसी की वजह से हमें क्या सफलता प्राप्त हुई है। अब इस चीज़ पर जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जब मान लीजिए स्टूडेंट्स जो हैं कुछ हमने एक्टिविटी दी और या फिर कुछ स्पोर्ट्स गेम वगैरह उसमें जीत गया कोई बच्चा, और जब वह ये फील करता है कि वो जीत चुका है, उसे सफलता प्राप्त हो गई है और वो चीज़ उसके आंतरिक जो कारण है उसकी वजह से हुई है, तो उस टाइम पर वो क्या फील करेगा। तो यहाँ पर हमें जो है ये थर्ड ऑप्शन ठीक लग रहा है, गर्व, यानी कि जो प्राउड है वो फील करेगा अपने ऊपर। अगला क्वेश्चन 28 वाला है, पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पूछा गया, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय जो उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बहुसंवेदनीय जो उपागम होता है, मल्टी जो सेंसरी अप्रोच है उसे यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर ये कहा गया है एनकरेज करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए हमें, ठीक है। एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए, प्राइमरी लेवल पर जो है ये जो मल्टी सेंसरी जो अप्रोच है उसे जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, यहाँ पर ये पूछा गया। अब देखिए, पहला ऑप्शन यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, और सेकंड ऑप्शन है यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हमें किसी भी तरीके से किसी बच्चे को अलग नहीं करना है, शिक्षा एजुकेशन तो हर किसी को पाने का हक है, तो हम उससे जो उसकी एजुकेशन है उसका राइट टू एजुकेशन कैसे छीन सकते हैं, तो नहीं होगा ना। अगला ऑप्शन देखो, यह अध्यापिका अध्यापक के निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, तो हमें टीचर को किसी तरीके से फ़ायदा हो और उसके लिए वो क्या करे, उस अपनी टीचिंग अप्रोच को यूज़ करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि टीचर जो है अपना समय बचाने के लिए या फिर जो है जल्दी से जो है चीज़ समझ में आ जाए बच्चों को उसके लिए, या फिर जल्दी से उसका काम ख़त्म हो जाए इसके लिए चीज़ें जो है उस अप्रोच को फॉलो कर रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं होगा आंसर आपका करेक्ट, क्योंकि वो अपना फ़ायदा देख रहा है। जब भी वो टीचर अपना फ़ायदा देखेगा वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। टीचर को बच्चों का फ़ायदा देखना है, ना कि खुद का अपना, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है हमारा, और ये असल में भी आपको फॉलो करना है जब आप टीचर बन जाएंगे। आगे देखिए, फोर्थ है, यह बच्चों में अज्ञात पर्यता पर जो है पैदा होता है, यानी कि जब बच्चे अनजान होते हैं उस टाइम पर होता है, तो ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जो ये बहुसंवेदनीय उपागम है यानी कि मल्टी सेंसरी जो अप्रोच है उसका मतलब होता क्या है, उसमें हमें बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि उसकी बहुत सारे जो सेंसेस है, जो इंद्रियां हैं, उनका यूज़ हो सके। एग्जांपल ले तो किस तरीके से हमें कुछ ऐसा पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है, केवल हमें ऐसा नहीं करना कि कॉपी पेन यूज़ कर लिया या फिर केवल बोल कर चले गए, ऐसा नहीं करना, लेक्चर दे दिया और चले गए, ऐसा नहीं करना। हमें जो बच्चों की बहुत सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो सके जिससे बच्चा जो है एक्टिव रहे, वो चीज़ हमें जो है वो उसी अप्रोच को मल्टी सेंसरी अप्रोच कहते हैं। और इसमें हम जो क्या कर सकते हैं, जिसमें बच्चों की जो आईज़ है वो भी यूज़ हो, ठीक है, और उन्हें जो है सुनाई भी दे और उसके साथ साथ वो उनके हाथ भी यूज़ हो, तो वो बहुत सारी ऐसी ऐसा कुछ हमें यूज़ करना है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं तीनों या चारों चीज़ों में इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए जो हैं वो काम करें, और इससे जो है उन्हें जो होगा बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। जैसे कि ICT चल रहा है पढ़ाने के में, ठीक है, उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं,
हम स्मार्ट क्लासेस, जैसे कि हम अगर मानिए कोई वीडियो दिखाकर समझाना तो वीडियो दिखा सकते हैं हम उस टॉपिक को रिलेटेड, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम वीडियो देखते हैं, तो अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप स्क्रीन भी देख रहे हो, ठीक है। और अगर आप नोट्स बना रहे होगे तो आपके हाथों का भी यूज़ हो रहा है, और आप सुन रहे होगे, सुन ही तो रहे होगे, तो तीनों चीज़ों मतलब कि बहुत सारे जो आपके सेंसेस है उसका यूज़ हो रहा है। तो तभी तो कहा जाता है वीडियो देखकर आपको बहुत जल्दी समझ में आता है और वो लंबे टाइम तक याद रहता है, तो यही रीज़न है इसके पीछे। तो ऐसे तरीक़ों का यूज़ करना हमें, यही मल्टी सेंसरी अप्रोच होती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये रहा 29 वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंसेप्शन है, मिस कंसेप्शन हैं उनको लेकर जो है यहाँ पर इनकरेक्ट जो हमारा ऑप्शन है वो हमें बताना है। यानी कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जो विभिन्न जो संकल्प हैं वो बना लेते हैं, जिनमें जो है कभी कभार जो भी उनके कंसेप्शन होते हैं, जो वो सोचते हैं बच्चे, कभी कभार जो है वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं, यानी कि कुछ गलत जो धारणाएं वगैरह हैं, ये धारणा नहीं कही जा सकती, धारणा होती जो फिक्स हो जाती है, और बच्चे जो है कंसेप्शन जो होते हैं वो बना लेते हैं और मिसकंसेप्शन बना लेते हैं। यानी कुछ जो हैं जो संकल्पनाएँ होती हैं, जो कुछ वो सोचते हैं, कई बार वो गलत किसी चीज़ को लेकर गलत जो अपनी सोच लेते हैं, और कभी किसी चीज़ को लेकर सही सोच लेते हैं। अब देखो वो कुछ चीज़ गलत सोच रहे हैं और कुछ चीज़ सही सोच रहे हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया है कि उसको लेकर हमें जो है कौन सा इनकरेक्ट जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, हमें क्या करना चाहिए क्लासरूम में, ये जो है हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पूछा गया है कि क्या नहीं करना चाहिए क्लासरूम में अगर ऐसी चीज़ है, क्योंकि छोटा बच्चा है और वो कुछ चीज़ों को लेकर सही सोच सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर गलत भी सोच सकता है, तो ऐसे में हमें जो है क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वही चीज़ पूछी गई है। पहला ऑप्शन है, एक अध्यापिका को बच्चे द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। सख्त, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि हमें स्ट्रिक्ट होकर हमें जो है उसे रोकना है कि तुम ऐसा नहीं सोच सकते। तो हमें, हम किसी के सोचने को, हम किसी की थिंकिंग को नहीं रोक सकते, और हमें ना ही रोकना चाहिए, क्योंकि बच्चे सोचेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हमें तो सोचने के लिए उन्हें इनक्रेज करना चाहिए कि तुम सोचो, हमें उन्हें जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। और अब वो जो सोच रहे हैं वो गलत है या सही है, उसे हमें सुधारना होगा, ठीक है, हमें उसे एक जो सही वे है उस पर लेके जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमारी है, पर बच्चा सोचेगा, और सोचना जो नहीं सोच रहा है, तो बच्चे को सोचने के लिए हम जो है किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू जो है हम उन्हें जो है थिंकिंग करने के लिए हमें जो है प्रेरित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट है, बच्चों वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ गठन बहुत स्वाभाविक है। तो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन दोनों में क्या होता है, जो गलत धारणाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो बनती ही रहती हैं, तो ये तो ठीक है। और यहाँ पर गलत वाला हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन, तो गलत वाला ऑप्शन तो अपना यही है, तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे के दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए थर्ड वाला यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर बताया गया एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो सकती है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकती है। यानी कि बच्चे कुछ सोच रहे हैं और जो भी उन्होंने कुछ भी सोचा है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने टीचिंग मेथड में, यानी कि उन्हें पढ़ाने के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। अब देखो अगला दे रखा है यहाँ पर, यानी कि बच्चे जो भी सोचते हैं वो सदैव निरादर जो है नहीं होता है उससे, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ जो होती है उसे बनती है। ये बिल्कुल ठीक है हमारा। आगे देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभी प्रेरित किया जा सकता है। यानी कि पुरस्कार के द्वारा, प्राइज के द्वारा हम किसी बच्चे को, या फिर जो है हम एक तरीके से हम मजबूर करके बच्चे को जो है पढ़ा सकते हैं, हम कुछ भी सिखा सकते हैं, तो ऐसा जो है कौन कहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दे रखा, पहला मानवतावादी, दूसरा व्यवहारात्मक, तीसरा संज्ञानात्मक, और चौथा सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक जो है बिल्कुल नहीं कहते हैं ऐसा, इनका मानना है कि अपने आसपास के कल्चर से बच्चा सीखता है, ना कि ज़बरदस्ती से, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आपको पता होगा जो बिहेवियरिज्म है वो जो है वो ये कहते हैं कि बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिहेवियरिज्म वाले जितने भी हमारे रहे हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एनिमल पर, और वही एक्सपेरिमेंट वो क्या मानते हैं कि वही चीज़ जो है जो एनिमल पर लागू होती है, कि अगर हम एनिमल को मारते हैं तो वो चीज़ सीख जाते हैं। जैसे डॉग, आपने देखा होगा कि डॉग्स जो होते हैं उन्हें कुछ चीज़ सिखानी है, तो क्या आजकल चीज़ें चली हुई हैं कि उनको
कुछ वो गलत करते हैं तो ट्रेनिंग के लिए उनके लिए टीचर रखे जाते हैं, कुछ वो गलत करते हैं तो उन्हें जो है जो पिन वगैरह चुभाई जाती है, तो नेक्स्ट टाइम उसे ये लगेगा कि नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं यही चीज़ करूँगा तो मुझे पिन चुभेगी और इस वजह से वो चीज़ नहीं करता है जो डॉग होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट जो एनिमल पर किए गए बिहेवियरिज्म के द्वारा, और ये माना गया कि जो ये एक्सपेरिमेंट एनिमल पर हुए हैं वही चीज़ जो है चाइल्ड या फिर जो बच्चा है उसके ऊपर भी होगा लागू, यानी कि बच्चा भी जोर ज़बरदस्ती से और जो है पुरस्कार के थ्रू जो है वो चीज़ें सीखेगा। पर ऐसा नहीं है, और अभी फ़िलहाल इस टाइम पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बिल्कुल नकारा गया है ये जो थ्योरी है। तो यही हमारा ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर पूछा गया है। और इसी के साथ आपके जो है 30 क्वेश्चन थे यहाँ पर कवर होते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा उससे हम जो होंगे हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपने जो क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ साथ एक छोटी सी कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।